दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। तो काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो बोलते हैं भैया कि इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाओ, ऐसे हमको ब्लॉग नहीं दिखना है, हमको कोई समुंदर नहीं दिखना है, और आप अपने आदमी का जो है कि वीडियो दिखाते हो कितने हम, तो वो सब उनको नहीं दिखना है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन वाली इनको वीडियो चाहिए। बहुत से ऐसे मेरे ऑडियंस हैं और जो जो सब्सक्राइबर हैं उनको जब बस सिर्फ चाहिए कि उनको जानकारी वाला वीडियो चाहिए कि हाँ कुछ ऐसे क्रोशिया के बारे में जानकारी चाहिए। तो आज उसी के टॉपिक पे आज वीडियो बनाने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट है, काफ़ी लोग का मैसेज है कि भैया कुछ जानकारी बताया करो, ऐसे वीडियो मत बनाया करो। तो मैं भी सोचा यार इनको क्रोशिया नहीं देखना है, इनको जानकारियाँ चाहिए। तो जानकारियाँ आज वीडियो बना रहे हैं और आप लोग के बीच में जो है कि लाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं यहाँ पे क्रोशिया में अधिकांश लोग आने वाले हैं, और जो बंदा आने वाला है वो आने का प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि हम भी चलें क्रोशिया में और चल के पैसे कमाएं, तो वो सही सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजली आ सकते हैं यदि आप पढ़े लिखे हैं, आपको इंग्लिश आती है और आप काम करने के लिए सक्षम हैं, रेडी हैं, तो आ सकते हैं। तो आज का डेट बताता हूँ, आज मेरे काफ़ी बंदों का 15 से 20 25 लोगों का जैसे कि आज इंटरव्यू हुआ है डिलीवरी बॉय में, फूड डिलीवरी बॉय में। तो उन लोग का जो है कि आज पहला राउंड था इंटरव्यू का, क्योंकि आज मेरा दोस्त ने इंटरव्यू लिया पहले, उनको बताया टोटल जो है टर्म एंड कंडीशन है वो सब बताया गया उनको कि भैया आपको ये मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, टोटल जो टर्म एंड कंडीशन है कंपनी का टोटल बता दिए। फिर उसके बाद जो है कि दूसरे दिन कल दोबारा इंटरव्यू होगा जो कि क्लाइंट लेगा, जो यहाँ का जो कंपनी का मैनेजर है चाहे सीईओ जो भी है वो लेगा। डायरेक्टली उनसे व्हाट्सएप पे बात होगी और लोग जो है कि उससे बात करेंगे, उनका जो पूछेगा बंदा उसका जवाब देगा। यदि ये लोग जवाब देने में सक्षम होते हैं और जवाब देते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद एक से डेढ़ महीने के अंदर जो है कि वर्क परमिट इशू हो जाएगा डिलीवरी बॉय में। तो काफ़ी बंदे जो हैं कि इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, कम से कम 25-30 लोग होंगे जिनका कंप्लीट डॉक्यूमेंट था। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले भी बताया हूँ आप लोगों को कि मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए। जिस बंदे का कंप्लीट डॉक्यूमेंट था, यानी कि पासपोर्ट था, PCC वीजा पोस्टाइल, अपोस्टाइल नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा बाद में सिलेक्शन होने के बाद, पर PCC चाहिए। तो पासपोर्ट हो गया, PCC हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, एक बढ़िया सा रिज्यूम हो गया, और रिज्यूम के साथ साथ एक बढ़िया सा फोटो, ठीक है। तो इतना आदि आपका डॉक्यूमेंट मुझे देते हैं, एकदम कंप्लीट डॉक्यूमेंट देते हैं, वो भी स्कैन करवा के बढ़िया से कंप्यूटर से, और एक ही PDF फाइल पे आप देते हैं तो जिन बंदे का डॉक्यूमेंट मेरे पास सही था उनका तो बात हो रहा है, और उनका इंटरव्यू हुआ एक फर्स्ट राउंड में हुआ, और कल हो जाएगा उनका सेकेंड राउंड क्लियर हो जाएगा। तो अभी काफ़ी बंदे का जो है कि इंटरव्यू लेना है, काफ़ी लोगों का पेपर भी है मेरे पास। तो जिन बंदों को डिलीवरी बॉय में आना है अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट मुझे दे दें, और अगर आप देंगे तो लगता है कि नेक्स्ट ट्रिप में दूसरे राउंड में उनका इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि एक राउंड में 30 या 40 ऐसे बंदे का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड जब आएगा तो आपका भी इंटरव्यू हो जाएगा। तो आप जो है कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें और मुझे सेंड करें, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट देंगे तभी आगे का प्रोसेस मैं करवा पाऊँगा, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देने का, एक बात का और ध्यान देने का है आपको कि आपका पासपोर्ट जो है कि यदि डिलीवरी बॉय में आना है आपको तो ECNR होना चाहिए, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड होना चाहिए, ECR नहीं होना चाहिए, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे होता है कि चलो बंदा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोल लेगा, बात कर लेगा, तो उनका काम इजीली हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कल भी इंटरव्यू है, कल जिन बंदे का सिलेक्शन होगा पता चल जाएगा, 1-2 दिन 3 दिन के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद तुरंत जो है कि उनका ऑफर लेटर आ जाएगा, और ऑफर लेटर जैसे आप साइन करके देंगे, ऑफर लेटर जैसे साइन करके देंगे उसके बाद जो है कि हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे, और 1-1.5 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाएगा। तो काफ़ी बंदे का इंटरव्यू हुआ, काफ़ी लोग से बात हुई, तो काफ़ी लोग खुश हैं,
उनका इंटरव्यू होगा कल, तो बड़ा उत्साह में है। तो आप लोग को यदि आना है तो भैया आप हम तैयारी कर लें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दें हमें, आपका भी इंटरव्यू करवाते हैं और कोशिश बुलाते हैं आपको, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। यदि कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। और जो है कि आप मेरे जिस बंदे के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो मैसेज भी कर सकता है, और जिन बंदे के पास मेरा व्हाट्सअप नहीं है वो मेरे अबाउट सेक्शन में जाके, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ जाके लेके आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज करते हैं। पर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई तभी दूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। ड्यूटी के पीरियड में आपका नहीं दे सकता, नहीं तो रिसीव कर सकता, अगर टाइम रहा तो रिसीव कर लूँगा, रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं रहा तो आपका रिसीव नहीं करूँगा, रिप्लाई भी नहीं दूंगा। और शाम के टाइम जब आऊँगा ड्यूटी से, टाइम मिलेगा तो आपको डायरेक्टली फ़ोन करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, क्योंकि धुंधलापन है, बारिश होने वाली है, मौसम साफ नहीं है, काफ़ी अभी दिन तो है पर यहाँ पे अंधेरा, और ऐसे लगता है कि अंधेरा हो गया, पर थोड़ा सा बादल है क्योंकि बारिश होने वाली है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ओके दोस्तों, नमस्कार।